पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आखिर क्या कर रही हैं हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज? इतना बड़ा ह्यूमन ब्लास्ट हो जाना, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर पर। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे देशवासियों की सुरक्षा पर। कुछ भी नहीं बचा। पांच लोग ही मिले, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, पुलिस स्टेशन पूरा जल गया, और सर सीसीटीवी फुटेज भी लेकर गई है ऊपर लड़की। ठीक सर। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि इस हमले से पूरा देश हिला हुआ है। जब हमारी सुरक्षा करने वाली पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो देश के आम इंसान की सुरक्षा के बारे में क्या कहा जाए, और यही सोचकर हर देशवासी के दिल में एक डर पनप रहा है। किसी भी आतंकवादी संगठन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सलीम, शेर से ज्यादा खतरनाक जानते हो कौन है? नहीं। मैं बताती हूँ, घायल शेर। शेर अपने शिकार को कभी कभार छोड़ देता है, लेकिन घायल शेर अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ देता। मैं समझा नहीं। समझी तो वो लड़की नहीं थी जनाब, जिसे हमने ट्रेनिंग दिलवाई, फिदाइन बनाया, वो ऐसी हरकत करेगी मैंने सोचा भी नहीं था। पुलिस के इन्फॉर्मर को कत्ल कर दिया उसने, पुलिस स्टेशन में धमाका कर दिया, पुलिस वालों की जान गई, मेरा पुलिस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हम लोगों के पीछे लग जाएगा घायल शेर की तरह। क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? वही तब जब हम हिंदुस्तान को फूंकने से चंद कदम दूर थे। जो भी हुआ सही नहीं हुआ। अगर हमारे ट्रेंड विदाइन हमारे रूल्स की ऐसी धज्जियाँ उड़ेंगे तो हिंदुस्तान को तबाह करने में हमारा मिशन मुकम्मल हो ही नहीं पाएगा। क्या जवाब दूंगी अपने हुक्मरान को जब वो कॉल करेंगे मुझे? क्या करो, तारीफ करो या कसीदे पढूं तुम्हारी दी हुई ट्रेनिंग की? तुम्हारे लोग कहाँ हैं ये तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं ये भी तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे प्यादे तुम्हारी हुक्म अदोली कर रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। तुम्हारी उस लड़की ने नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की है, ऐसे में कैसे पूरे होंगे हमारे मंसूबे? जनाब, आप सरहद पार बैठकर बंद कैबिन में बैठकर आप ये सारी बातें कर रहे हो। बहुत ही आसान है ऐसी बात करना। हम यहाँ काफिरों के बीच रहकर दिन में खुली आंखों से और रात में बंद आंखों से जो ख्वाब देख रहे हैं उसे अंजाम तक पहुँचाना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। आसान था, लेकिन तुम्हारी उस ज़ैनब ने इसे मुश्किल कर दिया है। मिशन पूरा करके रहेंगे हम, और उसी वक्त पर होगा जिस वक्त तय किया गया था कि मिशन पूरा होगा। हमारे पास अभी भी फिदाइन मौजूद है जो हिंदुस्तान को होली से पहले लाल रंग में रंगने के लिए काफ़ी है। हमें सिर्फ खून की होली नहीं, धमाके की दिवाली भी चाहिए है, लेकिन अब हमारे इजाजत के बगैर तुम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ोगे। कदम तो उठ चुका है, इस बार बेगम जान देगी या जान लेगी। खुदा हाफिज। सलीम, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं फोन पर होती हूँ तो वहां मत आया करो। डिस्ट्रॉय कर दो इसे। ठीक है, बिरयानी है माशाल्लाह, औरत साथ जिद में सब कुछ तबाह करके रहेगी। माफ कीजिएगा, वो दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी कि क्या हुआ ऐसा? नाजिया, क्या उसको? उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है, ना वो वापस आई है और ना ही कोई फोन कांटेक्ट हो रहा है। कहीं उसे उन लोगों ने कैद तो नहीं कर लिया है? शतरंज में अगर एक मारा कम पड़ जाए तो बाजी हरा नहीं करते।
नाजिया कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा मिशन इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे मोहरों को इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह इस बार हिंदुस्तान को शह और मात में देकर रहेंगे। इंशाल्लाह। Who is this girl who's spying on us? इसका ज़ैनब और पुलिस स्टेशन में जो ब्लास्ट हुआ उसके साथ क्या कनेक्शन है? क्या उन लोगों का प्लान सिर्फ पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट कराना था या कुछ और? Those four terrorists who were killed were actually related to Tariq Malik's outfit, right? Yes, chief. And all those who led that encounter was killed by Zainab, namely PI Tawde and his informer. Iska kya matlab hua? Kya Zainab Begum ke saath mili hui hai ya koi aur operatives jo hame target kar rahe hain? सोचो, पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा अटैक होना कोई मामूली बात नहीं है, जिसमें हमारे ये तावड़े और सारे पुलिस ऑफिसर्स मारे गए हैं। यू नो व्हाट आई थिंक? आवर एनिमीज आर नाउ टारगेटिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड दैट मींस ऑल ऑफ अस। यू राइट चीफ। किसी भी टेरर आउटफिट का मकसद ये होता है कि वो आम जनता में दहशत फैलाए। वो लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कभी टारगेट नहीं करते। एग्जैक्टली। क्योंकि हमारा रिएक्शन स्विफ्ट और डेडली होता है। लेकिन इस बार उन्होंने तावड़े को टारगेट किया। दे आर ट्राइंग टू रिमूव की प्लेयर्स। और चीफ, आई वाज ऑलरेडी बीइंग फॉलोड। जिस लड़की को हमने अरेस्ट किया था, शी वाज फॉलोइंग मी। एक अंडरग्राउंड रूल है यहाँ कि ये लोग कभी भी हमें या हमारी फैमिलीज को टारगेट नहीं कर सकते चीफ। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर हम अपनी पे आ गए तो हमसे बुरा कोई नहीं। I think it's time उस साले भटकल से मैं खुद बात करके उसे ही बात फिर से याद दिलाता हूँ। नानकर्णी जी, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आपको याद है हमने लास्ट टाइम जब बात की थी भटकल से, उसने अपना इन्वॉल्वमेंट कम्प्लीटली डिनाई कर दिया था। एंड दैट्स व्हाट ही विल डू दिस टाइम एज वेल। पर एक बात तो तय है कि अब हमारी फैमिलीज, हमारे लव्ड वंस वो टारगेट मैन, इट्स रियली डेंजरस फॉर देम। इनफैक्ट उन्हें हमारी एजेंसी के अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है एज अ लेवरेज। चीफ, आई सजेस्ट कि हमारे जितने भी चीफ ऑफिसर्स हैं, हम उन्हें मे बी एक सेफ हाउस में शिफ्ट करें, एमरजेंसी प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करें, एंड मिनिमल कॉन्टैक्ट रखना चाहिए अपनी फैमिली एंड आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। या बट माई पॉइंट इज़ कि कब तक? जब तक करना पड़े सर। तो फिर तुम ही बता दो रवि कि कैसे करें। पहले से ज़्यादा अलर्ट रहकर सर, चौकन्ना रहे कि हमें कोई फॉलो नहीं कर रहा है। अगर कहीं भी जाना है, डोंट गो स्ट्रेट टू द डेस्टिनेशन, टेक अ डिटोर। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अकेले ना जाएं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।